ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया पिच का खुलासा। जडेजा ने बताया कि पिच में कोई रैंक टर्नर नहीं था, ये सिर्फ एक भारतीय पिच थी जिस पर हमने अच्छी गेंदबाजी की। इसके अलावा जड्डू ने बताया कि पिच पर कोई बाउंस नहीं था, मेरा टारगेट स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी पर था जिस पर मुझे कामयाबी मिली। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मार्क वॉ ने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की। मार्क ने ये बात पहले दिन के खेल खत्म होने के बाद कही। मार्क के मुताबिक रोहित जब बल्लेबाजी करते हैं तो गेंदबाज अंडर प्रेशर में रहते हैं। मैदान पर रोहित का खेल क्लासिकल अंदाज में नजर आता है। आपको बता दें कि रोहित पहले दिन 56 रन बनाकर नाबाद है। नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 177 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने 5 और आर अश्विन ने 3 विकेट झटके। जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 11वीं बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। जडेजा ने टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में पाकिस्तान के स्पिनर यासिर शाह को पीछे छोड़ दिया है। जडेजा के टेस्ट में 247 विकेट हो चुके हैं जबकि यासिर के 244 टेस्ट विकेट दर्ज है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 49 रन मानस लबुशेन ने बनाए। स्टीव स्मिथ ने 37 और एलेक्स कैरी ने 36 रन की पारी खेली। वहीं पीटर हैंडसकॉम 31 रन बनाकर आउट हुए। इन चारों के अलावा कोई भी कंगारू बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। 3 खिलाड़ी तो अपना खाता तक नहीं खोल सके। भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मैच के पहले दिन एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने टेस्ट करियर में 450 विकेट पूरे कर लिए। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट पूरे करने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए। उन्होंने 89वें टेस्ट में ये आंकड़ा छू लिया। उनसे तेज सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने 450 विकेट लिए थे। कुंबले के टेस्ट में 619 विकेट है। सूर्य कुमार यादव ने भारत के लिए 32 साल 148 दिन की उम्र में अपना पहला टेस्ट खेला। इसके साथ ही वो फारूक इंजीनियर के अनोखे क्लब में शामिल हो गए। सूर्य कुमार यादव T20 वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में 30 साल के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। फारूक इंजीनियर भारत के लिए सबसे ज्यादा उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 36 साल की उम्र में देश के लिए पहला टेस्ट खेला था। विकेटकीपर KS भारत को भी पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला। डेब्यू कैप लेने के बाद भारत सीधे अपनी माँ के पास गए। वो भावुक हो गए थे। उन्होंने मैदान पर ही माँ को गले लगाया। इसके बाद भारत ने परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। भारत को टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने डेब्यू कैप दिया। मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के अपने पहले ही ओवर में उस्मान ख्वाजा को आउट किया। जैसे ही उस्मान ख्वाजा को आउट करार दिया गया और वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगे। इस दौरान भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ काफी खुश हो गए और इस विकेट का जमकर जश्न मनाया। सौराष्ट्र के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में मयंक अग्रवाल ने शानदार दोहरा शतक बनाया। वहीं इस पारी की बदौलत कर्नाटक की टीम खराब शुरुआत से उबर कर सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। मयंक ने इस सीजन में बनाए 900 से ज्यादा रन। दोनों टीमों के बीच ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड के रेड बॉल कोच ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि वो कप्तान बेन स्टोक्स के टेस्ट क्रिकेट में बहुत खास चीजें हासिल करने से बहुत खुश है और वो आगामी 2 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड से भिड़ने के लिए तैयार है। जब से मैकुलम और स्टोक्स ने पिछले साल पदभार संभाला है तब से इंग्लैंड का प्रदर्शन अच्छा रहा है। उन्होंने 10 मैचों में 9 में जीत दर्ज की।